गेंदबाज 140 की स्पीड से सामना करेंगे गेंद का। छठी बार पहली बार बरकरार दिखाई और जैसा आपको पहले ही बताया 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं इनका ट्रैक रिकॉर्ड है सबसे हाईएस्ट 13 गेंद पर 50 रन, जो कि आप देखना चाहेंगे। रोहित एक्सपीरियंस गेंदबाज काफी सीनियर खिलाड़ी एक बार पुनः रडार पर बॉल, बॉल बल्ली नतीजा वही बजाय दो अंक कम देकर जाएगी लेकिन अर्जित करने में कामयाब। इन्हीं चौक साथ ओवर की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति पर 89 रन 3 विकेट के नुकसान पर धीरे धीरे लक्ष्य के करीब पहुंचती हुई निश्चित रूप से कांटे की टक्कर जिस प्रकार से नौ ओवर की समाप्ति पर 89 रन 3 विकेट के नुकसान पर मृगेंद्र सिंह पारी का 10 ओवर लेकर सामना करेंगे राजा संजीव, माफ करिएगा राजा ने तो अभी अपना राजपाठ दिखा ही दिया था। अभी 2 बॉल के लिए उन्होंने 2 बॉल पर 1 चौका 1 छक्का रोहित ऐसे गेंदबाज को हिट किया टारगेट किया। 13 गेंद का हाईएस्ट 650 का स्कोर अपना तोड़ना चाहिए। एक बार पुनः सीधे बैट से बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए ये लगा सैम टेलर सिक्स। राजा एक्सपीरियंस गेंदबाज की नाक में दम करते हुए इस बार थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ कट किया बॉल को। माफ करिएगा मृगेंद्र सिंह कुछ समझ में नहीं आ रहा बॉल कहां की जाए कहां ना की जाए। बड़े मुश्किल से राजा नॉन स्ट्राइक पर गए हैं नाक में दम कर दिया था विपक्षी के। अब सामना करेंगे संजीव वाइड बॉल दिशा से भटके निश्चित रूप से आपको समय देना होगा 196 रन बनाने होंगे यदि यह महामुकाबला नॉकआउट मुकाबला अपने नाम करना है तो। ब्लॉक होल की बाल आपको पहले ही बताया मृगेंद्र सिंह तिवारी तकरीबन 237 मैचों का अनुभव इस बार लॉन्ग लेग बाउंड्री तरफ बॉल को भेजा देखना दिलचस्प क्या परिणाम आता। जी हाँ बैट के पैर के सहारे जहां तक रोका जाता जब तक बॉल निकल सकती 4 रन इसी के साथ 4 रन पूरी करती हुई एमसीसी क्लब मऊआ 102 रन इस प्रकार से कहर भर पाया लगातार 102 रन 94 रन दूर अपने लक्ष्य से राइट आर्म मीडियम मृगेंद्र सिंह सामना करेंगे संजीव। ऊपर आमंत्रित कर रहे हैं अब जा रहे हैं 2 ओवर की समाप्ति डॉट बॉल के साथ 10 ओवर की समाप्ति पर 102 रन 3 विकेट के नुकसान पर निश्चित रूप से यह बड़ा ही रोमांच मोड़ पर मैच पहुंचता हुआ और हमारे सर के ऊपर से एक हवाई जहाज जाती हुई निश्चित रूप से आज देख रहे हैं रिटायर्ड सीएम अपने मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जायजा ले रहे हैं मैदान का। बॉलर नेम कमलेश सामना करेंगे अब राजा छोटी बॉल पटकी बॉल
इस बार मौका बन सकता है और मौके को नहीं गवाया। अंकित ने उसे भरपूर बनाया और कैच पकड़ा गया उनका ऑफ साइड पर बॉडी के करीब बात में इसी के साथ चौथे विकेट का पतन। राजा खतरनाक गेंद बल्लेबाज थे, लगातार हिट कर रहे थे। साहिल गए हैं अब मैदान पर यह युवा बल्लेबाज। अभी अभी 6 मैच पहले इस साहिल युवा टैलेंट का डेब्यू हुआ एमसीसी कलंबगढ़ में और आज इसे बड़े मंच पर बड़ा सरपंच बनने की जिम्मेदारी की। आप अच्छा खेलिए, अपने आप को प्रमोट करिए। निश्चित रूप से युवा खिलाड़ी देखना दिलचस्प। कमलेश पटेल काफी एक्सपीरियंस ऑलराउंडर माने जाते हैं। ऊपर बॉल खिलाते हैं, वाइड बॉल दिशा से भटके और 1 रन अतिरिक्त खर्चना पड़ा। युवा टैलेंट उनके सामने सामना कर रहे हैं एक्सपीरियंस गेंदबाज का। पटकी बॉल पहले ही पढ़ लिया था ये युवा बल्लेबाज, जरूर नाम लिखता हुआ 4 रन। धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर एमसीसी कलंबगढ़ युवा बल्लेबाज साहिल आमना कर रहे हैं एक एक्सपीरियंस गेंदबाज कमलेश पटेल का। निश्चित रूप से दबाव होगा, यहां से एक साझेदारी बनानी होगी यदि यह मुकाबला एक बार पुनः बॉल वाली नतीजा वही देखना दिलचस्प। जी हां, लगातार 2 चौके ये युवा बल्लेबाज आज अपना नाम लिखता हुआ। आपको बता दें 3 चौके की हैट्रिक यदि लगती है तो डाटा केबल श्री ब्रज मोबाइल गोरा गोरा की तरफ से 3 छक्के की हैट्रिक लगती है तो डाटा केबल श्री ब्रज मोबाइल गोरा की तरफ से दिया जाएगा। चैंपियन सागर पाटन की तरफ से हैट्रिक विकेट 300, हैट्रिक 1600, हाफ सेंचुरी हेडफोन श्री ब्रज मोबाइल गोरा गुना। सामना कर रहा है युवा बल्लेबाज साहिल। 2 बॉल पर लगातार 2 बाउंड्रियां मारकर फील्ड को बदलने में मजबूर किया रमेश पटेल को। रमेश पटेल के दिमाग में दर्द भरकर उभरता है बल्लेबाज कमलेश पटेल। इस बार ऊपर बॉल को खिलाए संपर्क, जी हां बॉल दिशा से बाहर भटक गए थे कमलेश पटेल। वाइड बॉल लगातार हैट्रिक पर साहिल युवा बल्लेबाज एमसीसी क्लब मवहट का उभरता सितारा आज अपना नाम लिख रहा है। इस बार कट किया और पॉइंट और गली से कट, निश्चित ही 1 रन और अर्जित किया। बहुत जबरदस्त कट, नाक में दम करता हुआ यह बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 113 रन। इस बार गति में बदलाव, लाइन में बदलाव कमलेश पटेल द्वारा और बीट हुए संजीव पटेल, संजीव सिंह आप करिएगा कहीं गलती हो जाए। युवा टैलेंट थोड़ी अपने पैरों पर जरूर अंकुश लगाएं। आपने देखा था धौरहरा की टीम रन आउट में 3 विकेट गवा दी थी। इसी प्रकार 11 ओवर की समाप्ति पर 113 रन 4 विकेट के नुकसान पर पारी का पार मोबाइल लेकर आए थाने। सामना करेगा युवा बल्लेबाज जो नाक में दम करके रख दिया है धौरहरा की एक्सपीरियंस टीम को।
निश्चित रूप से आज नाम लिखेगा यह लड़का, बड़े मंच में बड़ा सरपंच का पदार्पण करेगा, पदाधिकारी होगा और कप्तान के दिमाग में घंटी बजाएगा कि आप हमें ऊपर खिलाएं। निश्चित रूप से थानेन्द्र गति से बीट करते हुए, गति जरूर है, रोहित और थानेन्द्र और अंकित जितने भी गेंदबाज हैं दौरारा में सब 130 के ऊपर गेंद करते हैं। सामना और यह लड़का आज अपना बता दे जैसे आपको इतिहास लिखता हुआ बहुत काबिले तारीफ छोटा पैकेट बड़ा धमाका है खड़े मार दिया सीधे बॉन्डी लाइन लॉन्ग बन के ऊपर से छोड़ के लिए बॉल लॉन्ग बन से उठाकर सीधे कुम्हारी पर जाकर फेंका। आपको बताया था कि यह युवा बल्लेबाज युवा टैलेंट आज अपना नाम लिखता हुआ। इस बार गलती हुई, भाग्य का साथ मिला, मैदान पर कोई सुरक्षा कवच मौजूद नहीं था। निश्चित रूप से पानी ले जाया जाए मैदान के अंदर। इस बल्लेबाज एक तरफ नॉन स्ट्राइक पर युवा बल्लेबाज ऊपर बॉल मिड ऑफ पर खड़े फील्डर रोहित को बीट किया और एक रन अर्जित करने में एक बार पुनः एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। 12 ओवर की समाप्ति पर 121 रन। आपको बता दें कि 16 वर्षीय खिलाड़ी आज पहली बारी से डेब्यू करने का मौका मिला, पहले ही अपने मैच में अपना नाम लिखवाता हुआ संदीप पटेल। कप्तान ने प्रमोट किया, टैलेंट को पहचाना और गलियों से निकालकर आज सीधे स्वर्गीय श्री सुखलाल कुशवाहा क्रिकेट T20 नौगमा के इस आयोजन में लाकर उतारा मैदान पर। जिस प्रकार से उन्हें जिसके लिए लाया गया था आप 1-2 खेलिए, लेकिन वो बल्लेबाज मौका बनाता हुआ, जी हाँ, रिंकू सिंह के तर्ज पर आज छक्के चौके लगाता हुआ यह युवा बल्लेबाज। हर खिलाड़ी बधाई देते हुए विपक्षी खिलाड़ी भी उनसे बात करते हुए आप अच्छा खेलते हैं, आप खेलते रहिए, गलती ना करिए, आप भविष्य हैं। यह MCC क्लब मौगट का उभरता सितारा, आप सभी दर्शकों का एक बार हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं भूपेंद्र लोनी उम्मीद करता हूं कि इस आयोजन का, इस महामेले का, इस भव्य आयोजन का आनंद ले रहे होंगे। और आपको बता दें कि कल का महामुकाबला डिफेंडर चैंपियन पाल और ताला के बीच खेला जाएगा। ज्यादा से ज्यादा तादाद में आइए आप सभी लोग, और डिफेंडर चैंपियन पिछले वर्ष की पाल उसका मैच और ताला के बीच खेला जाएगा। आइए और आनंद लीजिए सबसे बड़ा मैच इस टूर्नामेंट का। डिफेंडर चैंपियन कहा जाता है ऐसा ये कहना कठिन कि कोई भी मैच बड़ा छोटा, लेकिन एक जो कहावत है कि जो जीत का टीम पिछले वर्ष की होती है फाइनल विजेता होती है उसको जरूर एक कहा जाता है कि ये मजबूत टीम है। इस बार ताला से पहला मैच टकराव हुआ है, देखना है और डिफेंडर चैंपियन इस बार क्या कमाल कर पाती है। पारी का 13वां ओवर लेकर प्रदीप पटेल इस बार मैदान की दिशा में ढकेला बॉल को, जैसा आपको बता रहा था युवा टैलेंट आज अपनी प्रतिभा बिखेरता हुआ, प्रतिभा निखारता हुआ
अपने प्रतिभा के स्तंभ गाड़ता हुआ इस आयोजन में डेब्यू करने का मौका कप्तान ने दिया और मौके की तलाश में ये लड़का बिल्कुल भी डर नाम की चीज नहीं। 16 वर्षीय खिलाड़ी युवा का बोल वाला अनुभव उसके सामने नतमस्तक होते हुए आपने देखा था किस प्रकार से बाउंड्रियां बरसाई और इस बार थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ बॉल जा रही है दंदराती, देखना दिलचस्प। और एक और चौका, इंतजार की बैट से था कि पैड से, जी हाँ बैट से कट किया था, बैट से था। हमारे निर्णायक काफी अनुभवी आज निर्णायक की भूमिका निभा रहे हैं इस पारी में दीपक पांडे, मेन अंपायर साथ दे रहे हैं प्रदीप कुशवाहा जो कि कमेटी अध्यक्ष हैं, आयोजक समिति के अध्यक्ष हैं। यह युवा टैलेंट मैदान के चारों दिशाओं में अपनी बॉल की सैर कराता हुआ वन मैन आर्मी की तरह कार्य करता हुआ, निश्चित ही आप अच्छे खिलाड़ी, आपकी अच्छी प्रतिभा और मौका बन सकता था लेकिन एक रन चुराने में विकेट के बीच में बहुत तेज है खिलाड़ी। इन्हीं सब कारणों की वजह से कप्तान संदीप पटेल ने इन्हें मौका दिया आज के मैच में और डेब्यू करवाया और अच्छा कहर बरपाता हुआ यह युवा खिलाड़ी। और इसी बीच